लेकिन नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, अनाज उगाओ, और आज अनाज का भंडार हमारे गोडाउनों में इतना है कि सोनिया गांधी जी ने सोचा इसको गरीबों में बांटो, और उन्होंने ये फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया। अगर वो एक्ट नहीं लाते, अरे मेरे बाबा, तुम कहां देते थे गरीबों को? मनरेगा किसने लाया? मनरेगा स्कीम किसने लाया? आपको मालूम नहीं? अरे मनरेगा स्कीम इंदिरा गांधी जी ने लाया, सोनिया गांधी जी ने लाया। जब सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा योजना लाकर गरीबों को पेट भरने के लिए कम से कम 100 दिन का काम उनको देना चाहिए, उन्होंने शुरुआत की। और इन्होंने क्या किया इस बजट में, अगर आप देखेंगे, जिस जगह 2,72,000 करोड़ रुपए इस वक्त से आज के जो मेहनत का यानी गरीबों को जो वेजेस मिलते हैं, जो मजदूरी मिलती है, उसका हिसाब डाले, 100 दिन के लिए मटेरियल के साथ 2,72,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। ये छोड़िए मटेरियल का, कम से कम काम के लिए 1,72,000 करोड़ होना चाहिए।